नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये स्वदेशी खाद। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और बहुत बड़ा खुशी भी है, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें हमको गर्व भी है। तो ये जो काम मैंने स्टार्ट किया था, ये लगभग आज से 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। और मुझे लगा था कि खाद बनाना सबसे इजी की मैंने सबसे आसान काम है, इन्वेस्टमेंट किए जिसका रिटर्न 0 आया, नॉलेज बहुत अच्छा आया उससे। इसी तरह करते करते कभी मैं कुछ और करूं, कभी मैं ड्रम खरीदूं, ड्रम में छेदा करूं, उसमें रड डालूं, फिर इसमें पत्तियां डालूं, कभी इसमें सब्जियां डालूं, कभी किचन वेस्ट डालूं, और फिर उसमें अलग तरह का छाछ डालूं कि वो जल्दी से सड़े, जल्दी से खाद बने। लेकिन वो सब फेल होते चला गया। फिर अंतिम में पिछले साल जब लॉकडाउन होने से पहले की बात है, फरवरी महीने में 23 फरवरी हमको अभी भी याद है, क्योंकि उसी दिन हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, तो वो दिन बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है। उसी दिन मैंने 1 किलो केचुआ लाया था। मैंने उस बहन से लिया था जो बहन साइकिल से चला कर लगभग 15 से 20 किलोमीटर चला कर आई थी। उसे पैसे की ज़रूरत था, कुछ काम था, 1 किलो का 1500 रुपये दिया था। बहुत महंगा था लेकिन मैंने दिया। अब मुझे पता था कि ये जो मैं दे रहा हूँ ना, उस बहन का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बाद में हमको पता चला कि उनके कुछ पारिवारिक समस्या थी, अच्छा हो गया उस पैसों से, तो मुझे वो खुशी था। और इधर मैं आकर मैं उस केचुओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। और फाइनली उस साल मैंने 2020 में मैंने लगभग 200 किलो बेचा था। वो स्टार्टिंग था, मैं अकेले भी कर रहा था। फिर 2021 जो अभी इस साल अभी अब जा रहा है, तो 1 साल किसी तरह खींच खाँच के लगभग 550 किलो मैंने बेचा हूँ वर्मी कंपोस्ट, और 200 किलो लगभग लीप कंपोस्ट बेचा हूँ। तो ये जो जर्निंग है ना, बहुत ये जो मेरा देख रहे ना, ये जो स्वदेशी खाद है, मैं बस यही कह सकता हूँ, इसमें मेरी माँ का, इसमें मेरे परिवार का, मेरे भैया लोगों का, मेरे वो सब जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हमारे संस्था पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ये उन सब का देन है कि आज हमारा एक ब्रांड के रूप में स्वदेशी खाद का झोला बना हुआ है और बहुत सुंदर बना हुआ है। इसका एक एक चीज़ हमको बहुत पसंद आ रहा है और अपने आप पर और हम सब पर गर्व महसूस हो रहा है। तो यह वीडियो बनाने का यही मकसद है, और आज का दिन इसलिए बना रहा हूँ कि आज का जो तारीख है वो 11/12/2021 बड़ा अच्छा संयोग बैठा है। आज का दिन, आज एकादशी भी है, शनिवार भी है, बहुत सारी चीज़ है जो इत्तेफाक से बहुत अच्छा दिन बैठ गया। और ये झोला आज ही बन के आया, इसको मैंने फर्स्ट टाइम सिया भी किया है, बहुत सुंदर सियाया गया है। और जो भी देख रहा है वो हमें बधाइयाँ दे रहा है, लेकिन ये बधाइयाँ का पात्र उन सभी को मैं देना चाहूँगा जो मुझे 3 से 4 साल हमको सपोर्ट करते जा रहे हैं, और उनको विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। रही बात है इस खाद का मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा खाद बनता है। मैं इसमें जो 4 साल का जो ज्ञान लगाया हूँ ना, इसमें मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ होता है खाद में। बहुत खाद बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन ये 100% ऑर्गेनिक और प्रीमियम है। प्रीमियम मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें मैं एडिशनल भी एंजाइम मिक्स करता हूँ कि इस खाद का क्वालिटी और बेहतर बने, और जब भी ये पौधों को मिले तो एक उसको टॉनिक रूप में मिले और बहुत ज़्यादा बूस्ट करे, इसलिए इसको मैं प्रीमियम नाम दिया हूँ। ये खाद थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन खाद अच्छा है। अब रही बात है कि ये मेरा खाद कहाँ कहाँ बिकता है। मेरा चैनल है कंपोस्ट कल्चर, और उसमें मैं हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आप भी चाहे तो उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस चैनल्स में जो भी व्यक्ति देखते हैं, समझते हैं, तो वहाँ से हमें ऑर्डर आती है। ये ऑर्डर कहाँ कहाँ से आया है अभी तक मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश से आया है, गुवाहाटी से आया है, हिमाचल प्रदेश से आया है, गुजरात से आया है, राजस्थान से आया है, नोएडा से आया है, दिल्ली से आया है, महाराष्ट्र से आया है, और हमारा झारखंड से भी आया है।
झारखंड में बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, और हाँ पश्चिम बंगाल से भी आया है, और ऐसे कई जगह से हमें ऑर्डर आया है और हमने सप्लाई किया है। खाद का क्वालिटी उन लोग जब जिन लोगों के पास ये पहुंचा है वो उन लोग खुद बोले हैं कि खाद का क्वालिटी बहुत अच्छा है और आपने जो मेहनत किया है वो इसमें दिख। और इसका एक और फ़ायदा है कि इसका जो भी मैं सेल करता हूँ इसका किलो का एक रुपया हम शिक्षा में डोनेट करता हूँ, और उससे जो बच्चे लोग होते हैं उनके नीड्स होते हैं, जैसे कॉलेज फ़ी हो गया, कभी गैजेट हो गया, कभी कॉपी किताब हो गया, जहाँ तक होता है मैं सहयोग करता हूँ। तो रही बात है कि हमारा प्रोडक्शन कम है, इसे सहयोग भी कम ही कर पाता हूँ, तो फिर हमारी संस्था है उसमें किसी और से बातचीत करके हम डोनेशन इकट्ठा करते हैं और फिर बच्चे लोगों को मदद करते हैं। तो ये जो खाद है इसमें ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है, सभी का ब्लेसिंग्स है, इसे सब बच्चों का ब्लेसिंग्स है, क्योंकि बच्चे लोग जब इससे पैसे से जाते हैं और लोग पढ़ते हैं, कुछ बनते हैं, उनका हंसी आती है, तो वो ब्लेसिंग्स इसमें अपने आप आ जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये स्वदेशी खाद अपना खाद में आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ है जो आप लोग अपना समझते हैं, ये अपना हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप लोग बहुत जल्द ही स्वदेशी खाद का वर्मी कंपोस्ट या लीप कंपोस्ट या दोनों मिक्स हमारी संस्था से जरूर मंगाइएगा और ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। तो आज का दिन हमारा ब्लेसिंग्स का दिन है, और इसमें ईश्वर का, परिवार का और आप सब का ब्लेसिंग्स है। तो आप सभी को शुभरात्रि, धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोग हमेशा मेरे साथ देंगे।